नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं ओगजिल्ली कूलिंग वाटर के बारे में। जैसा कि हमने पहले पिछले वीडियो में हमने समझा था, हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है उसके कूलिंग सिस्टम के बारे में हमने दो टाइप के सिस्टम देखे थे, जिसमें पहला सिस्टम था वो हम कूलिंग वाटर का सिस्टम था जो हमारी LP टर्बाइन है उसके एग्जॉस्ट पे जो स्टीम आती है उसको कंडेंस करने के लिए जो कंडेंसर लगा रहता है, तो उसमें जो वाटर फ्लो होता है कूलिंग वाटर फ्लो होता है, तो उस सिस्टम को जो हमारा कूलिंग टावर से लेकर जो कंडेंसर है वहाँ से हीट को कैरी अवे करके फिर से जो हमारा कूलिंग टावर है उसमें रिलीज़ करना, ये एक सिस्टम होता है। और जो दूसरा सिस्टम होता है वो होता है हमारे जितने भी पावर प्लांट के अंदर ऑक्सिलरीज लगी रहती हैं या जितनी भी मशीन और जो शाफ्ट बेयरिंग और जो ल्यूब ऑयल है या हमारे पास में जो जनरेटर है उसकी कूलिंग के लिए जो हम DMCW या डीमिनरलाइज कूलिंग वाटर यूज़ करते हैं, तो उस डीमिनरलाइज कूलिंग वाटर को ठंडा करने के लिए या उसकी जो हीट है वो कैरी अवे करने के लिए हम एक सिस्टम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर सिस्टम। ठीक है, तो ये जो ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर सिस्टम है इसका हमारे पास में तीन मेजर रोल है या इसके तीन मेजर हेडर हैं जो कूलिंग के लिए जाते हैं। तो इस जैसे इस सिस्टम में हम देख रहे हैं जो पहला हेडर जा रहा है वो हमारा वैक्यूम पंप है उसकी कूलिंग के लिए जा रहा है, जो दूसरा हेडर जा रहा है वो हमारे पास में जा रहा है PHEs 4 TG ऑक्सिलरीज या इसको कहते हैं प्लेट हीट एक्सचेंजर फॉर टर्बाइन एंड जनरेटर ऑक्सिलरीज। ये हमारे पास में तीन PHEs लगे रहते हैं जो हमारे पास में डीमिनरलाइज कूलिंग वाटर जो TG DMCW है या टर्बाइन और जनरेटर की साइड पे जो कूलिंग करके जो DMCW वाटर आ रहा है उसकी हीट एक्सचेंज इन PHEs के अंदर होती है और वो अपनी हीट इस ऑक्सिलरी वाटर को देते हैं जो अगेन फिर इस इधर कूलिंग टावर में चला जाता है। ठीक है, ये हीट लेके और कूलिंग टावर में उस हीट को डंप कर देता है। और वैसे ही जो तीसरा जो लाइन है वो तीसरी लाइन जो हमारी जा रही है वो जा रही है स्टीम जनरेशन ऑक्सिलरीज में या बॉयलर ऑक्सिलरीज जिनको बोलते हैं अपन, जितने भी हमारे पास में IDFD फैन लगे हैं, PF फैन लगे हैं, मिल लगे हैं या HPSU सिस्टम जो बॉयलर साइड पे लगे रहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में यहाँ दो PHE लगे हैं, PHE A और PHE B। ठीक है, तो हमारे टर्बाइन साइड पर जो कूलिंग के लिए जो DMCW आ रहा है वहाँ तो हमारे पास में तीन PHEs लगे हैं और जो हमारे बॉयलर की साइड पर जो DMCW वाटर जो हम यूज़ ले रहे हैं कूलिंग के लिए तो उसमें हमारे पास में दो PHEs लगे हैं। और इन जो पांच PHEs लगे हैं और साथ में जो वैक्यूम पंप लगे हैं इनकी कूलिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं कूलिंग सिस्टम, उस कूलिंग सिस्टम को हम कहते हैं ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर सिस्टम। ठीक है, तो अब ये भी देख लेते हैं कि इस पंप को हम कैसे चालू करें। तो इस पंप को चालू करने के लिए हमारे को जो कंडेंसर है उसके वेंट खोल देने हैं, क्योंकि जो ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर जो पंप होगा उसी से हम हमारे जो हमारा कंडेंसर है उसको फिल करेंगे कूलिंग वाटर से। कूलिंग वाटर पंप पहले नहीं चलेगा, पहले हमें ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर पंप चलाना है और उससे हमारे कंडेंसर को भरना है। ठीक है, उसके बाद में जितने भी जो हमारे कोई जो हेडर है उसका अगर वेंट है तो वो खोल देना है और उसके बाद में इस पंप को चला देना है। हमारे पास में जो 660 MW सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट यूनिट है तो हमारे पास में यहाँ दो पंप लगे हैं ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर के, और इनको हम एक स्टैंड बाई भी हमारे पास में रहता है, तो ये कुल मिला के अभी हमारे पास में ये दो पंप है दोनों रनिंग में है। ठीक है, अब ये हम देख लेते हैं कि हमारे पास में जो ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर है वो क्या होता है, किस काम आता है। तो जो ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर है इट इज़ ए कूलिंग वाटर विच कम्स फ्रॉम कूलिंग टावर एंड कैरी अवे द हीट फ्रॉम SG DMCW एंड TG DMCW। अब SG DMCW और TG DMCW क्या होते हैं? SG DMCW द डीमिनलाइज कूलिंग वाटर यूज फॉर बॉयलर एक्सरसाइज लाइक ID फैन, FD फैन, मिल, PA फैन एंड HPSUs। ओके, और जो TG DMCW सिस्टम है ये होता है डीमिनराइज कूलिंग वाटर यूज फॉर टर्बाइन एंड जनरेटर कंपोनेंट्स लाइक वेरियस ल्यूब ऑयल्स, मोटर ऑफ पंप, बेयरिंग,
हाइड्रोजन ऑफ जनरेटर एंड स्टेटर एंड मैकेनिकल सील ऑफ वाटर पंप्स। ठीक है, तो हमारे पास में जो टरबाइन साइट और जो बॉयलर साइट है उसकी जो कूलिंग के लिए जो डीमेलाइज कूलिंग वाटर है उसकी जो हीट है वो कैरी अवे करता है हमारा ऑक्जिली कूलिंग वाटर। तो ये था कूलिंग वाटर का सिस्टम। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगले वीडियो में हम जानेंगे TGDMCW के बारे में और SGDMCW के बारे में। थैंक यू।